हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो इन माइनक्राफ्ट। एंड आज हम खेलने माइनक्राफ्ट, और आज मैंने नई स्टोरी स्टार्ट करी है माइनक्राफ्ट में। इससे पहले भी स्टार्ट करी थी, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है माइनक्राफ्ट में स्टोरी, और इसको हम पूरा कंटिन्यू करेंगे एंड तक। एंड अभी का सीन ऐसा कि मैंने अपनी सिटी मूव कर ली है, मतलब कि मैं इससे पहले किसी और सिटी में रहता था, वो सिटी छोड़ के मैं इस सिटी में आ चुका हूँ, क्योंकि ये सिटी एकदम साफ सुथरी नहीं बनी है एकदम। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सिटी मूव कर लें। तो इसमें हम कैरेक्टर्स भी लाएंगे बहुत सारे आगे जाके, पहले ही वीडियो है, अच्छी चली सीरीज, तो आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आएंगे। तो मैंने सोचा कि हम लोग नई सिटी में मूव हो जाते हैं, और उस सिटी में मेरे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत थी, मतलब बहुत तो नहीं, एक गाड़ी थी, एक बाइक थी, घर था मेरा अपना, तो वो सब बेच बाच के मैंने 10-12 लाख रुपये जमा करके इस सिटी का मैंने अपना पूरा वेरीफाई वगैरह सब करवा लिया, और इस सिटी में आ चुका हूँ। ढूंढ रहा था अपार्टमेंट, तो वो मुझे मिल चुका है, और जो डीलर हमें दिलवा रहे हैं अपार्टमेंट, उसका 1 मंथ का रेंट है, 1 महीने का रेंट है, कम से कम 50,000 रुपये। सही है, कम से कम क्या, फिक्स 50,000 रुपये। तो अभी मेरा कुछ दिनों बाद एक दोस्त भी आ जाएगा, तो यही है वो जो हमें दिलवा रहे हैं, और उन्होंने फ्लैट का एड्रेस वगैरह सब बता दिया हमें, और इनसे मैं बात कर चुका हूँ पूरी। तो वो जो सामने यहाँ पर नहीं है, बता दिया वहाँ पर हमारा फ्लैट, तो हम चलते हैं फटाफट से। उन्होंने चाबी अभी हमें सब दे दिए, और हमने भी इनको सब जूता वो कर दिया, अब सारी चीज़ें इनके ऊपर है, मतलब कि हमसे किराया यही लेंगे, मतलब किराया तो मालिक लेगा लेकिन ये देंगे उनको। सही है भाई, तो चलते हैं वहाँ पे, और अभी हमें बाइक वाइक भी लेके आनी है अपनी। सही है ना, तो बाइक मैंने सोचा 125 लेंगे, लेकिन अभी थोड़े नए नए शिफ्ट हुए, तो एक लिए थोड़े हालात वालात कैसे आके, तो फिर देखते हैं 125 मंगाते हैं। 125 तो ऐसे पाकिस्तान से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। सही है ना, तो फटाफट से अपार्टमेंट में पहुँचते हैं हम लोग, और यहाँ की पब्लिक भी तभी इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं आई थी इधर, तो आ गए हम अपने अपार्टमेंट में, और ये भी बहुत प्यारा अपार्टमेंट है। इससे जब हम पहले वाली सिटी में रहते थे, उस टाइप में मेरे पास कुछ इसी टाइप का अपार्टमेंट था, और देखते हैं फटाफट से कैसा है, और पब्लिक आ गई है भाई, देख लें आगे जाके है कैसा, कितना बड़ा, हमारा तो पहला ही फ्लैट है फर्स्ट, तो है तो काफ़ी बड़ा यार, ये ऊपर भी फ्लोर्स हैं, लेकिन मैंने सोचा नीचे ले लेते हैं, बाद में देखेंगे भाई, अभी पहले ऊपर वाला लेना फ़ायदा नहीं, ऊपर चढ़ो फिर उतरो, नीचे के सब खाली नीचे के ले लिए मैंने, तो ऊपर बाद में जाएंगे, अभी देख लें अपना अपार्टमेंट सबसे पहले हम लोग। मैंने भी एक ही बार देखा है, सही से देखा नहीं है, तो फटाफट से देखते हैं अपार्टमेंट। और दो दोस्त रहेंगे हमारे, एक दोस्त आ जाएगा, मतलब हम दोनों मिला के दो दोस्त होंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, टीवी चेंज करेंगे ये लोग अभी कुछ दिनों में, आज से चेंज कर लेंगे शायद, और यहाँ पर सोफे वगैरह लगे हुए। ये किचन आ गया अपना, तो किचन भी सही है, खाने पीने का एरिया भी बहुत बेहतरीन है, और ये फ्लैट के छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो सब सही है। तो अभी किसी ने सही है, बाथरूम देखते हैं, बाथरूम भी है ये यहाँ पर, बाथरूम तो वही जाहिर सी बात है, इतना महंगा फ्लैट है, हाँ बाथरूम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, और सब सही है। अब देख ले अपना बेडरूम, तो देखें हम लोग फटाफट से बेडरूम में, कमरा जा रहा है कहाँ जा रहा है, बेडरूम तो हाँ, बेडरूम भी बहुत अच्छा है। और आप लोग से एक बात की बहुत ज़्यादा माजरत, जो मेरी जो फिंगर का ये एरो पूरा बना हुआ रहा है सर्किल, ये सेटिंग से बंद करना भूल गया था मैं, छोड़ें इसको, इग्नोर करेगा। और ये फिर बाथरूम में ऐसे घुस गया, वाह, दो गेट बाथरूम के, यहाँ तो बेड एक ही लगा हुआ है, लेकिन एक बेड पे दो लोग कैसे सोएंगे भाई, चलो एक और बेड लगा लेंगे बाकी यहाँ पे। तो फटाफट से चलते हैं बाहर, थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं जाके, सामान के दोस्त आगे पीछे वाले फ्लैट भी देखते हैं हम लोग, तो ये भी हमारे फ्लैट की आदमी है, तो हाँ फ्लैट में बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, सब लोग नए नए हैं शहर में, सब लोग देख रहे हैं कैसा बनाया जा रही है। तो थोड़ा अभी बाइक वाइक कुछ है नहीं, गाड़ी भी नहीं है, तो अभी करेंगे क्या हम लोग, फिर तो सकते नहीं है, तो फटाफट चलते हैं हम लोग आगे पीछे देख के आते हैं क्या हाल चाल है यहाँ के। तो सामने चर्च बना हुआ एकदम, और उधर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हैं, और यहाँ पे अलग जो सिटी का ये बिल्डिंग्स एरिया है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, और अपार्टमेंट के अलावा अगर आप लोग को घर वर चाहिए, हाउस बंगले, तो उसका अलग एरिया है, कमर्शियल एरिया अलग है, और अपार्टमेंट्स का एरिया और फ्लैट्स बिल्डिंग इन सब का एरिया अलग है। वहाँ पे तो भाई विलास बने में, तो वहाँ की हमारी औकात तो है नहीं वहाँ पे लेने की, तो बाद में कभी लेंगे हम, लेकिन अभी तो हम यहीं रह रहे हैं फिलहाल, वो सामने लग रही है अभी बेस रोड के अंदर आगे एरिया, और अभी रश भी इतना नहीं रोडों पर, सब खाली पड़ी हुई रोडे वोडे, क्योंकि अभी इतने लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे। और सामने भी हमें लोग को यहाँ जॉब अभी पकड़नी है, अपनी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये पूरा एरिया आ गया आपका, ये घर वर का सारे जोन बना हुआ है, बड़ा प्यारा यार ये घर, तो बड़ा वीआईपी बना हुआ है, सबसे प्यारा घर लग रहा है मुझे अलग, ये बिल्डिंग अच्छी है, वही क्या टाइट घर है ये तो। चलो यार हमारा क्या यहाँ पे, सामने भी यहाँ की अभी रोड ही चेंज है, यहाँ की कलर ही चेंज है रोड के, अच्छा इलाका है ना, इसलिए
सामने विलास ही विलास है भाई, समझ रहे हैं आप कैसा वीआईपी इलाका है। अभी हमारे दोस्त आने वाले हैं और हमारे चाचा भी आएंगे इसमें, चाचा नहीं मामू, तो अभी देखते हैं। मामू तो मामू का भी सीन नहीं है, मामू कुछ दिनों बाद ही आएंगे हमारे, एक ही फ्लैट में तो रह नहीं सकते हम लोग, तो देखेंगे बाद में। अभी तो मैंने एक फ्लैट इसलिए लिया क्योंकि अभी मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, पहला महीना है, तो हम लोग ने अभी वो भी बहुत महंगा फ्लैट है हमारा, और वो तो हमने सस्ता करवा लिया क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं और लोग कम हैं, इसलिए उस सस्ते में मिल गया, वरना उसके रेंट बहुत कम से कम 1-1.5 लाख रुपए उसका रेंट है। तो अभी चलते हैं फटाफट से हम घर पे, और रात भी होने वाली है, और कल की वीडियो में हमें जाना है, हमें बाइक वाइक मंगवाएंगे सब लाएंगे, और अभी तो फटाफट चलते हैं हम लोग घर पे। अभी मैं घर जा रहा था और मेरी एक जगह पे नज़र पड़ गई, अच्छा हुआ, ये देखें सामने ये छोटे छोटे जो घर बने हैं ये, अभी यहाँ पे रोड नहीं डली, वो भी रोड डल जाएगी एक दो हफ्ते में। ये देखें ये छोटे छोटे ये पूरे छोटे छोटे घर हैं, इसमें किचन भी है, डाइनिंग टेबल भी है, और ये आ गया हमारा बाथरूम, और बाथरूम भी ठीक ठाक ही है, मतलब कि इसको अगर सही से बना लें तो ये भी अच्छा बन जाएगा। और मैंने अपने जो हमारा डीलर है सामने अलग घर लिया, उसने मुझे लोकेशन भेजी है, अभी नया घर बनाया ना उसने, और ये यहाँ पे कमर आ गया। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि उसने मुझे लोकेशन भेजी है क्योंकि वो अभी नया नया उसने यहाँ पे अपना ऑफिस खोला है, तो वो हर किसी को व्हाट्सएप पे भेज रहा है लोकेशन है नया नया घरों की, तो मैंने उसके पेज पे देखा कि उसके पेज पे ये भी पड़ा हुआ था, और ये बुरा तो है नहीं, ये भी सही है, बस ये कि थोड़ा छोटा है और रोड से भी करीब है ज़्यादा, और एक कमरा आ गया, और ये साला आज बैठने पता नहीं कौन सा गिलच हुआ है, और अच्छा ही है कमरा भी यारी वाला भी, और बस ये भी बेहतरीन है, लेकिन ये भी मैं अभी अकेला ये ले नहीं सकता, जब मेरे अभी तो वो ले लिए ना, जब अभी मामू और दोस्तों आ जाएंगे ना सारे, जब देखेंगे इसको लेने का, दो ले लेंगे 50,000 रुपये में दो मिल जाएंगे। और अभी चलते हैं फटाफट से घर पे, घर चल के देखते हैं क्या करना है अभी, क्योंकि रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बड़ा क्या यहाँ पे, तो अभी फटाफट चलते हैं घर पे। और आज की वीडियो थोड़ी बोरिंग हो रही है, लेकिन अगली वीडियो आप लोग को पता होगा कैसी टाइट जाएगी हमारी, तो फटाफट से हम चलते हैं अभी घर में। और अभी 125 की मैंने बात करी उससे, अपने करी नहीं करते हैं, फटाफट से बात दोस्त से, और उससे बोलते हैं भाई 125 की जुगाड़ लगवाओ, यहाँ पे 125 वगैरह की कोई सेटिंग बनाते हैं, 125 मंगाएंगे भाई, 125 को मज़ा ही लगे, पाकिस्तान से इम्पोर्ट करवाएंगे 125, तो गेट वेट बाथरूम वगैरह पेन गेट बंद नहीं करा मैंने, अभी इलाका भी सुनसान हुआ भाई, चौंते बनते चलो कॉल लगाते हैं, वाईफाई भी नहीं चल रहा, बैलेंस भी डलवाना है यार, चलो सुबह ही करेंगे फिर कॉल, तो बैलेंस ही नहीं मेरे पास और वाईफाई भी नहीं चल रहा, नेट भी लगवाना पड़ेगा यहाँ पे यार, फटाफट से सोते हैं फिर सुबह कॉल करते हैं उसको, सही है भाई। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी चलते हैं बाहर फटाफट से नाश्ता करने के लिए, और घर में कुछ सामान वामान तो है नहीं खाने पीने का, पूरा किचन खाली पड़ा हुआ है, तो होटल तो जाते नहीं है, फटाफट से चलते हैं कुछ ब्रेड वगैरह पकड़ लेते हैं बाहर से जाके, और वही खा लेते हैं अभी, फिर बाद में देखेंगे शाम वाम में कुछ होटल पे जाके खाने का, अभी का सीन तो यही है भाई। उधर ही रोड पे दुकान है, अभी मैंने पूछा अपने दोस्त वगैरह से, तो उस साइड पे दुकान है, तो इस पर चलते हैं, इससे ही लेते हैं फटाफट से अभी, लेकिन मेरे पास खुला तो कुछ है नहीं पैसे, और इनके पास अगर एटीएम मशीन वो नहीं हुआ जैसे कैश वगैरह जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र कर दें, पेपाल भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पेपाल नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई इनके पास, तो यहाँ पे बैंक का है, बैंक ढूंढो यार, एक तो रास्ते याद नहीं है मुझे इस तरह के, मैप में देखते हैं फटाफट से फिर निकलते हैं हम लोग, सही है। तो गाइस मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी अभी तक एटीएम नहीं मिला, तो फिर थक हार के मैं वापस आया, और जब मैं वापस इनकी दुकान पर आया तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास हर चीज़ है, पेपाल भी है, जैश कैश भी है, हर चीज़ है, तो मैंने बोला फिर चलो यार अंदर ही चलते हैं, तो फटाफट से यहाँ से ब्रेड वगैरह लेते हैं, हाय भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इनके पास क्या क्या सामान है भाई आपका, वो देखें दीवार का बिलाव टूटा हुआ है ना, हाँ टूटा हुआ है, गुंडा टाइप आदमी लगा रहा है जो आप ही नहीं दे रहा है तो मुझे, हेलो क्या हुआ भाई, भाई वो बिलाव टूटा हुआ आपका, हाँ यार वो इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि अभी दुकान नहीं बनाई है तो वो टूटा हुआ है, लगवाऊंगा आज ही, सही है। अच्छा तो आपका नाम क्या है वैसे, तुझे क्या इससे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, नाम क्या आपका, असली सिटी में सारे नए नए आए ना, अविनाश। अच्छा अविनाश भाई यार ये ब्रेड कितने की एक, अबे ले ले यार, ले ले क्या, पैसे पूछ रहा हूँ, 500 रुपए की,
100 रुपए की होती है। तो 100 रुपए की मिलेगी ना। हाँ ये भी है, तो ये देना मुझे कम से कम 2-5 ब्रेड देना है। और ये क्या है, ये तुम्हें बन बन लग रहा है, जो भी है ये भी 5 देते हैं। 2000 रुपए हो गए। क्यों, ये 200 का है जी, ये 200 का है। सही है, ये भी कर दें और 5 ये कर दें, 2000 रुपए ले लें मुझसे। तो ये वैसे 2000 कैसे हुए यार, 5 अगर ये हुए 100 के हिसाब से 500, 200 के हिसाब से 5, कितने बने, 1000, 1500 बने। हाँ हाँ 1500 बने यार, 1500 बने, गलती हो गई। हाँ हाँ होशियारी मार रहा था, 500 रुपये अंदर कर रहा था साला। सही है, भी पैक करते हैं सारा सामान। सही है, और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। सही है, बेस्ट हो गया। तो आप लोग फटाफट से पैक करें तक मैं बाहर देख के आया। चलो यार काम तो आसान हो गया हमारा, फटाफट से देते हैं, पैक हो गए। सही है भाई, ट्रांसफ़र कर दिए मैंने 1500 रुपये। सही है, ओके। तो अब चलते हैं फटाफट से यार, कर्ज के लिए खाते हैं, इसने बहुत चबा दिया मुझे। एक तो साला इतना खतरनाक आदमी था, इससे थोड़ा अकड़ने में भी डर लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी मेरे दोस्त वगैरह कोई भी नहीं आया भाई। पता चले साले मिल के 5-6 दोस्त हैं उसके, मिल के कूट देगा मुझे। तो फटाफट चलते हैं घर पे। और यार लोग ज़्यादा आ गए, अला फ्लैट ही फुल हो गया, फैमिली आ गई, जागना अच्छी बात नहीं है। हाँ ये भर गया, खाना खा रहा है, बंदा खड़ा हो गया यार। कुत्ते के बच्चे जाग क्यों रहे घर में? अबे भाई गालियाँ पड़ रही हैं यहाँ तो। चलो पल भाई, चल 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 फटाफट चल ले, शक्ल भी देख ली से मेरी, जलील हो जाऊँगा मैं तो सामने वाले के लोग हैं। चलो भाई चलो चलो अंदर आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। फजूल में गाली पड़ गई सुबह सुबह, नाश्ता कर लेते हैं पहले यार, फटाफट से भूख बहुत लग रही है। ये भी टेस्ट करते हैं यार, क्या मजे की चीज़ें इसकी। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। और तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया, लेकिन मैंने तो ये भूल ही गया कि इसको किचन में भी रखना होता है वापस। फटाफट से किचन में रखते हैं हम लोग, तो फिर चलते हम नहाने। तो गाइस मैंने फ्रिज में रख दिया, और ये फ्रिज में ढंका नहीं लगा, फ्रिज भी उससे बोलेंगे भाई चेंज करवाओ, क्योंकि हमारे ऊपर है अभी कि हम चेंज करा सकते हैं। उसने बोला जो भी आप लोग को थोड़ी बहुत कमी पेशी हो वो बता देना, मैं चेंज करवा दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपार्टमेंट है उसका, पूरा खाली पड़ा हुआ है और सब फर्निश्ड है, तो कुछ भी उठा के कुछ भी लगा सकते हैं। तो सही है, अब चलते हैं फटाफट से नहाते हैं, और कुछ भी अगर ख़राब हुआ तो सारे हमें पैसे भरने पड़ेंगे एक एक चीज़ के। तो हाँ फटाफट से नहाते हैं हम लोग, और नहाते हुए क्या देख रहे हो बस। तो आज की वीडियो में इतनी था, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में इसी सीरीज़ की, और अलग वीडियोस में भी मिल सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा अगली बार हम बेटर करेंगे। उसके अलावा दूसरा सीन ये कैरेक्टर्स आएंगे अगली वीडियो में बहुत सारे, तो उनकी अलग अलग पहचान होगी, उनकी अलग अलग पूरी स्टोरीज होंगी, तो आप देखिएगा। एक ही स्टोरी में बनेंगी लेकिन उनकी अलग स्टोरीज होंगी, कुछ इसमें थोड़े शब बाटर लॉन्डी भी आएंगे, तो हाँ अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, और आज की वीडियो में जो भी मेरे से गलती मिस्टेक हुई हो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये पहली बार मतलब कि ऐसी स्टोरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। इससे जब पहले बनाई थी उसमें भी मैंने कैरेक्टर्स लाया था, लेकिन उसका मैंने एक ही पार्ट बनाया था बस। तो हाँ अभी की वीडियो में इतना ही है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, इससे पहले बोल चुका हूँ फिर भी रिपीट कर देता हूँ फिर से, अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर देगा। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में, और अगली वीडियो में बेटर करूँगा उससे ज़्यादा। तो बाय बाय।